तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपना मोबाइल के स्क्रीन पे। तो हम जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में, ये है क्रोम ब्राउज़र। तो क्रोम ब्राउज़र में हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे youtube.com बोल के हम सर्च करते हैं। बाद में देखो ऊपर तरफ यहाँ 3 डॉट दिखाई दे रहा है कॉर्नर में, वहाँ हम क्लिक करेंगे। इधर नीचे देखो डेस्कटॉप साइट, तो डेस्कटॉप साइट में हम क्लिक करते हैं। तो हमारा ऐसे कुछ स्पेस ओपन हो के आया है। तो हम देखो मेरा कॉर्नर में ऊपर मेरा चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, जैसे आपका भी लोगो दिखाई देगा आपका अगर चैनल है तो। देखिए इस लोगो में हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर तरफ माय चैनल लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हम क्लिक करेंगे माय चैनल में। माय चैनल में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कस्टमाइज ए चैनल लिखा हुआ है, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। तो हमारा ऐसा है कुछ स्पेस ओपन होके आया है, देखिए। तो हम नीचे तरफ देखिए, लेफ्ट साइड में नीचे तरफ देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ एक मैसेज का लोगो और एक सेटिंग का लोगो दिखाई दे रहा है। तो हम वो सेटिंग का लोगो में क्लिक करेंगे। सेटिंग का लोगो में क्लिक करते ही ऐसा पेज ओपन होके आया है। तो हम देखिए यहाँ पर जनरल और चैनल लिखा हुआ है, तो हम ये चैनल पे क्लिक करेंगे। इस तरह आके देखिए सेंटर में स्पेशल सेटिंग लिखा हुआ है, तो हम स्पेशल सेटिंग में क्लिक करेंगे। तो हम आ गया हूँ, अब थोड़ा हम नीचे तरफ जाएंगे। नीचे तरफ आ रहा हूँ, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, छोटा नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबर टू माय चैनल, तो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो सब्सक्राइबर है वो शो करने लगेगा अपना चैनल में, क्योंकि पब्लिक आपका सब्सक्राइबर कितना है वो देख लेगा। अगर इसको हम हटा देता हो तब तो आपका सब्सक्राइबर जितने हैं वो किसी को दिखाई नहीं देगा। तो उम्मीद है कि आप सीख गया होगा इस वीडियो में सब्सक्राइबर कैसे हाइड करता है। तो अगला और वीडियो कुछ आपको सीखना है तो, और कुछ यूट्यूब के बारे में सीखना है तो चैनल में सब्सक्राइब हमारा वीडियो का नीचे कमेंट कीजिए और मैं आपको बताऊंगा। और आपका सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाइए। थैंक यू।